So hey guys, I'm Alex and welcome back to Poketable 5 and आज हम खेलने वाले Pixel Mon को 100 days के लिए. And yeah, इस सीरीज में हमें हर एक बायोम में घूम घूम के हर एक सिंगल पोकेमोन को कैच करना होगा एंड Pokédex को कंप्लीट करना होगा. एंड साथ ही साथ Pixel Mon वर्ल्ड के सारे मिस्टिकल टेम्पल्स को भी हमें ढूंढना पड़ेगा एंड उनको भी विजिट करना होगा. एंड 10 प्लस लेजेंडरी एंड माइथिकल पोकेमोन को भी कैच करके अपने टीम में ऐड करना होगा. सो इट्स सो इंटरेस्टिंग. सो ये पार्ट 1 है, इसकी काफी लंबी सीरीज आएगी. तो भाई तुम्हें बैक टू बैक मेरे चैनल के ऊपर इस सीरीज के वीडियोस देखने को मिलते ही रहेंगे. मतलब यार काफी इंटरेस्टिंग सफर होगी हम लोगों का. तो इसी बात पे सब लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ 2K लाइक इनको कंप्लीट कर दो. तो चलो हम लोग चलते हैं अपने Pixel Mon जर्नी के ऊपर. तो शुरुआत में गाइस हमें इतने सारे यहाँ पर स्टार्टर दिए गए टेक करने के लिए, बट मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन से को लूँ, बिकॉज यहाँ पर जेन 1 से जेन 9 तक हर एक पोकेमोन का स्टार्टर था. तो मैंने सोचा भाई इसके बाद जेन 9 को लेते हैं. जेन 9 में से मेरे को क्वेक्सली पसंद था, तो भाई से मैंने उसको टेक कर लिया यहाँ से. एंड आफ्टर इट मैंने अपने जर्नी को शुरू कर दिया, जहाँ पर मैं अपने होम टाउन पर स्पॉन हुआ. एंड उसके बाद मैं ढूंढने लगा भाई आसपास कौन से पोकेमोन मिल रहा, बट यहाँ पर एक गोलक मिल रहा था. एंड मैं थोड़ा डैमेज करते करते गोलक के पास चला गया. एंड अभी मेरे को ये पोकेमोन कुछ भी वो चाहिए था, तो इसके लिए भाई साहब मुझे कुछ पोकेबॉल चाहिए, लेकिन अपने पास नल्ला कुछ नहीं है फिलहाल. एंड उसके बाद मैं कुछ पोके बॉल ढूंढने लगा पूरे सिटी में, इधर से उधर. एंड फाइनली उसके बाद मुझे कुछ दुकानें दिख गई. अपने सोचा चलो यहाँ से कुछ चीजें खरीद लेंगे, बट पैसे नहीं थे अपने पास. बट भाई इनके पास से फ्री लूट काफी अच्छी मिल रही थी, तो मैंने हर एक चेस्ट खोला. एंड हर एक चेस्ट के अंदर ओपी आइटम्स थे मेरे भाई, तो मैंने सब चीज को यहाँ से उठा लिया. एंड यहाँ पर एक नहीं भाई, जब तीन तीन दुकानें थी, तो भाई अपनी लॉटरी लग चुकी थी एट द स्टार्टिंग. एंड फिर मैंने सबको लूटना शुरू किया. एंड सबको लूटने के बाद भी मेरे साथ इतने पास, मतलब इतने सारे आइटम्स आ गए थे मेरे पास. एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा भाई चलो गोलक को कैच करते हैं. एंड गोलक को कैच करने के लिए मैं पूरा सिटी यहाँ से वहाँ घूमने लगा. मतलब भाई लौंडा कहाँ पड़े भाई, ढूंढते ढूंढते मेरे को नहीं मिल रहा था. एंड जो भी हो, उसके बाद मुझे और कुछ दुकानें दिख गई, लगभग और तीन दुकानें थी यहाँ पर. तो मैंने सबको लूटना सही समझा, सबको एक एक करके लूट लिया मैंने यहाँ से. एंड उसके बाद मैंने सोचा भाई सब गोलक तो नहीं मिल रहा, तो भाई कुछ और पोकेमोन कैच वैच कर लेंगे. बट उसी बीच मुझे एक अलग सा टेंपल दिखा. एंड मैं इसके अंदर घुस ही रहा था कि भाई साहब पता नहीं अलग से कुछ स्क्रीन आउट हुआ एंड एक बैटल शुरू हो गई. एंड मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, बट मेरा क्वेक्सली पिट गया इस बैटल में. एंड आई थिंक ये पोकेमोन जिम था. एंड आफ्टर दैट मैं आ गया यहाँ से नर्चो के पास अपने पोकेमोन को हील कराने पोकेमोन सेंटर के ऊपर. पता नहीं भाई क्या पैर वेर रुक गया था, तो मैं सोचा भाई पोकेमोन सेंटर की इज्जत को बचाने के लिए हम उसको साफ कर देंगे. एंड फिर नर्चो के पास आया मैं, नर्चो से पोकेमोन हील करवा लिया. एंड फिर भाई क्वेक्सली को देखने का दिल कर रहा था अपन का, तो हमने क्वेक्सली को भाई बाहर निकाला. एंड ये क्वेक्सली यार देखने में कितना औसम लग रहा है, क्वेक्सली. ओके जो भी है भाई साहब, इसको देखने के बाद मैं रात हो चुकी थी ऐसे करते करते नौटंक की. एंड फिर भाई साहब मुझे यहाँ पर बाहर आया. एंड यहाँ पर एक हूट वूट दिखा. एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज, मैं इसे कैच करूँ या नहीं. बाद में सोचा कर लेते चलो कैच. एंड जो भी उसके बाद भाई से मारा मैंने, नहीं मारते मारते मर गया लौंडा. एंड फिर इसने एक आइटम ड्रॉप किया. एंड आफ्टर दैट मुझे पता चला कि भाई इस गेम में तुम हर एक पोकेमोन को जो मारोगे ना, तब वो अलग अलग आइटम्स ड्रॉप करेगा, जो कि काफ़ी ऑसम चीज़ है. नंबर टेक्सचर पैक में भाई मून कितना ऑसम लग रहा है, ये मानना पड़ेगा भाई. बहुत ओपी भाई टेक्सचर पैक लगाया मैंने. एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर कुछ आबड़ा वाबड़ा पोकेमोन दिखने लगे. एंड मैंने सोचा भाई आबड़ा को कैच करते चलो. एंड आबड़े के पास यहाँ पर एक खास एबिलिटी है, लाइक इंडरमैन वो टेलीपोर्ट हो सकता है इधर से उधर, तो उसको भाई सब छुप छुप के कैच करना पड़ेगा अपन को. तो मैं छुप छुप के ऐसे पोकेबॉल डाला, बस सारे मिस हो गए. एंड यहाँ से सबसे बैड चीज़ थी, एक पोकेबॉल टूट भी गया था मेरा. तो भाई साहब जो भी हो, दिल पे पत्थर रख के मैं वापस से आप लोगों को कैच के अंदर निकल ही रहा था कि मुझे आगे स्किटी बेटी एंड बाकी सारे पोकेमोन दिख गए. तो मैं सोचा भाई स्किटी को कैच करते हैं ना भाई, मेरे पास स्किटी था ना, अपना फेवरेट पोकेमोन जो स्किटी लगभग है, तो मैंने उसको कैच करने ट्राई किया. बट भाई लौंडा पोकेबॉल में नहीं आ रहा था. एंड ऐसे बकलोली करते करते सुबह हो गई. एंड सुबह होने के बाद भी भाई साहब मैं ट्राई करता रहा, बट मेरे को बाद में पता चला भाई इस गेम में तुम नहीं कर सकते, इस गेम में सिर्फ तुम इन बैटल ही कर सकते हो. एंड अपडेट के लिए ये सब हो गया है. एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ क्राफ्टिंग करने का सोचा, चलो भाई कुछ चीज़ें वीज़ें क्राफ्ट कर लेते, वरना भाई माइनक्राफ्ट में मज़ा ही क्या आएगा, राइट. पिक्सेल मॉन ही है भाई. एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा चलो यहाँ पर आयरन वायरन मिल रहा था मेरे को फ्रीली, बहुत ईजिली मिल गया है आयरन. तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पर क्राफ्ट करते अपना पिकेक्स. एंड पिकेक्स क्राफ्ट करने के बाद मैं आयरन यहाँ से माइन करने निकल पड़ा. एंड यहाँ पर भाई सारे आयरन मैंने माइन कर दिए थे एक एक करके. एंड लगभग मेरे को यहाँ पर सारे आयरन माइन करने के बाद मुझे 5 आयरन मिल गए. एंड दैट्स द ग्रेट. एंड फिर भाई यहाँ पर देखो यार कितना ऑसम लग रहा है ये पोकेमोन वर्ल्ड भाई, सब शार्क वार्क पोकेमोन. एंड फिर मैंने सोचा मेरे पोकेमोन के एचपी काफ़ी कम है, तो मुझे भाई साहब विलेज में जाना पड़ेगा. तो मैंने ऐसे मैप ऑन किया. एंड या इस गेम में मैप भी है, एंड तुम कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो. जहाँ तुम्हारा मैप तुम जाओगे वहाँ बाद में मैप दिख जाएगा. एंड फिर मैं विलेज में यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया इजी तरीके से. एंड विलेज में टेलीपोर्ट होने के बाद ही मैंने सोचा यार चलो चलते हैं नर्चो के पास एंड वहाँ पर अपने पोकेमोन को हील कर लेते हैं. एंड आफ्टर दैट मैं विलेज में थोड़ा और घूमने लगा, जहाँ पर मुझे भाई साहब ग्रीडन का छोटा रूप दिखा. तो मैंने सोचा चलो भाई इसे भी कैच करते हैं. एंड भाई मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक रहा था, बट मिस भाई, मेरा एम बहुत गलत है जो भी है. एंड जैसे जैसे भाई साहब मैंने इसके ऊपर यहाँ पर और एक लास्ट एक्चुअली को फेंका पोकेबॉल के थ्रू, एंड फिर इससे बैटल शुरू हो गई हमारी. तो आफ्टर दैट मैंने यहाँ से वाटर गन इसके ऊपर किया. एंड जैसे जैसे भाई साहब मैंने इसको हरा दिया यहाँ से. एंड फिर हमें इसको हराने के बाद कुछ एब्रिकॉन एंड बेरी मिली.
एंड बुरा बात यह था कि मैं किसी को टेक नहीं कर सकता था, मेरा इन्वेंट्री फुल था। सो भाई इन्वेंट्री को खाली करने के लिए मुझे चाहिए था कुछ चेस्ट, तो चेस्ट ढूंढने के लिए मैं गया इनके दुकानों पे एंड सब लूटना शुरू कर दिया। मैं सब क्या ही करूँगा खाली चेस्ट का। एंड उसी बीच में को मिला फ्लैशलिंग एंड एट द सेकंड पोकेमॉन, इसको कैच करना मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। सो मैंने इसको कैच करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली वॉल यूज़ किया ग्रेट वॉल एंड इसको मैंने यहाँ से वेट करने के बाद कैच कर लिया। एंड या मैं सेकंड पोकेमॉन आ चुका था मेरे पास एंड मैंने सोचा भाई साहब सबसे सेफ जगह होगा चेस्ट को लगाने के लिए पोकेमॉन सेंटर, तो मैंने यहाँ पर लगाया एंड मैंने सारी चीज़ जो कि मेरे को जरूरत नहीं थी फिलहाल मैंने रख दिया चेस्ट के अंदर। एंड आफ्टर दैट मैं सफर पर निकल पड़ा भाई सूरज की मौसम है। एंड फिर भाई निकलते निकलते मेरे को यार काफ़ी रंग बिरंगे ट्रीज दिख रहे थे, काफ़ी रंग बिरंगे पोकेमॉन दिख रहे थे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर, जो कि भाई साहब काफ़ी खास था। मैंने फिर ककुना दिखा, मैंने सोचा भाई इस पोकेमॉन से ट्रेन करते बिकॉज ये कोई अटैक नहीं कर सकते, खुद ही हार्डन करता रहेगा एंड मैं उसे मारूंगा तो मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड फिर जैसे जैसे मैंने इसका मैच चालू किया एंड इसको पीट डाला यहाँ से एंड आफ्टर डेट मैं आगे घूम रहा था तो मेरे को टेडियर सा दिखा एंड टेडियर सा दिखने के बाद मैंने इससे भी बैटल कर ली। एंड फिर भाई साहब इसको मैंने एक शॉट एंड इजी तरीके से दूसरे शॉट में ही हरा दिया मैंने इस वाटर गन में। एंड इसको हराने के बाद भाई मुझे इससे यार फिश मिली, आई डोंट नो इसके पास फिश का कर रही थी, मैं मछली खा रहा था कि पोकेमॉन और जो भी मुझे मिल गया इसका मछली अच्छी बात है। एंड आफ्टर दैट मैं और सफर में आगे निकल गया एंड यहाँ पर मैं आगे निकलते निकलते मेरे को अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स भी दिख रहे थे भाई, कूल कूल पोकेमॉन्स। आफ्टर टेलीपोर्ट हो गया भाई सामने से ओके एंड आशा की किरण दिखने के बाद अंधेरा भी आ गया था एंड मेरे हंगर बार भी देखो यार कितना लो हो चुका है। तो मुझे भाई इसको पूरा करने के लिए चाहिए था कुछ खाना जो कि मेरे पास दो फिश थी बट मुझे उनको पका के खाना था तो ताकि भाई मुझे ज़्यादा इसी मिले। तो मैं यहाँ पर आ गया भाई कुछ स्टोन माइन करने एंड फिर मैंने यहाँ पर ऊपर मुझे कुछ कोल एंड आयरन से मिल चुके थे। तो यार आयरन एंड कोल को कैसे छोड़ना है एट द स्टार्टिंग ये काफ़ी काम आते हैं, तो मैंने सबको यार यहाँ से उठा लिया एंड जस्ट एक ही कोल बिना था मेरे को। एंड फिर मैंने यहाँ से टॉर्च बनाया कोल से एंड एक फर्नेस बनाया एंड फर्नेस पे भाई साहब अपने खाना यहाँ से कुक होने के लिए यहाँ से रख दिया। देखो पहले मैं मटन रखा, मटन नहीं है ये चिकन था ना हाँ। एंड आफ्टर दैट मैं सोचा इसको सो लेते हैं बिकॉज भाई सुबह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रात में वैसे आप लोग काफ़ी डार्क पोकेमॉन घूमते हैं तो भाई वो काफ़ी मेरे लिए जहरीले हो सकते हैं। एंड फिर मैंने यहाँ से खाना वाना खा लिया, थोड़ा हंगर वंगर ठीक कर लिया अपना एंड फिर चीज़ें वीज़ें यहाँ से उठा के अपने सफर पे अपन निकल पड़े। एंड सफर पे निकलते निकलते भाई जब काफ़ी टाइम तक मैं इधर से उधर घूमा, मुझे काफ़ी अनुकूल को पोकेमॉन दिखे जो कि छोटे छोटे पोकेमॉन मिल रहे थे जो कि हमारे लिए ईजी टू बीट थे, तो मैंने उन सबको यहाँ से बीट कर दिया एंड काफ़ी ओपी आइटम्स मिल रहे थे मेरे को। एंड फिर मुझे कुछ और कोल्स दिखे जिनको मैंने माइन किया एंड आफ्टर दैट आई डिसाइड कि मैं कुछ पोकेमॉन कैच करूँ, बट अब मेरे को एक पीजी दिखा जो कि भाई पिंक पीजी था, मैं सोचा भाई वो पिंकन पीजी है क्या, पिंकन आइलैंड से आया हुआ है जो कि पोकेमॉन में दिखाया गया था। आप भाई साहब इसको देखने के बाद मुझे इसको कैच करना ही था बट भाई मुझे यार इसका कैच रेट मतलब काफ़ी कम होता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट अल्ट्रा बॉल फेंकने का सोचा एंड मैंने इसको डैमेज भी नहीं किया बिकॉज मैंने फ्लैशिंग एक अटैक में मर सकता है इस पीजी के। एंड फिर जो भी मैंने अल्ट्रा बॉल फेंक के यहाँ से वेट किया एंड फाइनली ये पीजी कैच हो गया हमारे। एंड भाई तुम देखो ये शाइनी है या पिंकन पोकेमॉन है तुम मुझे खुद बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है तुम अभी तक देख रहे होगे वीडियो को तो आई नो ज़्यादातर लोग देख ही रहे होंगे अभी तक वीडियो को। एंड फिर मैंने कुछ और पोकेमॉन को यहाँ से हंट किया, इनको मैंने यहाँ से फिनिश आउट करके भाई साहब इनसे अच्छी खासी एक्सपी कमा ली, अपने पोकेमॉन को लेवल अप कर ली। एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर एक भेड़ दिखा पहाड़ों में चढ़ते हुए, पता नहीं क्या कर रहा था लौंडा। एंड आफ्टर दैट मैं कुछ और जगह घूमने लगा एंड मुझे यहाँ पर दिखा भाई लावा, मैंने सोचा फायर टाइप पोकेमॉन मिल सकता है, फायर टाइप पोकेमॉन आई नो सबको प्यारे होते हैं मेरे को भी प्यारे है भाई फायर टाइप पोकेमॉन, बट भाई यहाँ पर कोई फायर टाइप नहीं दिखा। तो मैं थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा था कि यार ऊपर चढ़ते चढ़ते कुछ तो अच्छा मिलेगा, बट यहाँ पर चढ़ते चढ़ते मैं माइनिंग भी कर रहा था अचानक मेरे को कुछ अनोखा मतलब ऑर्ब दिखा, मैं सोचा भाई ये कौन सी चीज़ है, डायमंड वायमंड थोड़ी है। एंड फिर भाई मैंने इसको जब माइन किया तो मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मैं समझ गया भाई इसको शायद से भाई सब तुम्हें पिकेक्स मतलब स्टोन या स्टोन सॉरी बाकी से पिकेक्स से माइन करना पड़ेगा लाइक डायमंड वायमंड। एंड आफ्टर डेट मैं कुछ और जगह घूमने लग गया यहाँ से वायन, मुझे ये बड़े बड़े पोकेमॉन दिखे जिनका लेवल हाई था। एंड फिर मेरे को पता नहीं चमकता हुआ टापू जैसा दिखा समुद्र के पास, तो मैंने सोचा भाई चलो जाते उसमें, बट जाते जाते भाई एक चार्ली से बैटल शुरू हो गई भाई मनहूस पोकेमॉन, और जो भी बाद में मैंने इसको स्केप किया एंड मैं पानी के अंदर था भाई, थोड़ी देर और मैं उससे बैटल करता ना तो श्योरली मैं उधर में बैटल करता रहता एंड मैं प्लेयर यहाँ पर मर जाता जिससे मेरा पूरा जर्नी बेकार हो जाता। एंड फिर मैं पानी के थ्रू मैं जाने का शुरू कर दिया एंड भाई पानी में वाटर टाइप पोकेमॉन काफ़ी ऑसम लग रहे थे एंड ये देखो भाई गोल्डन भाई यार क्या ही ऑसम लग रहा है एंड बिल्कुल पोकेमॉन एनिम की तरह फील हुआ मुझे जब मैं पानी में जा रहा था। एंड फिर मैं आ गया इस चापू के पास जहाँ पर भाई मेरे को एक मास्टर बॉल दिखी, सोचा भाई लेजेंडरी पोकेमॉन बेकून मिल जाएंगे क्या पर। एंड फिर मैंने सोचा भाई सो जाते हैं सबसे पहले तो, कुछ अगर नहीं सोए ना तो भाई सुबह होते होते मतलब हाँ रात में कुछ भी हो सकता है। एंड फिर सुबह होने के बाद मैंने इसको भाई खोदना शुरू किया ताकि भाई ये मास्टर बॉल जो भी है मैं इसे उठा सकूँ। एंड फिर मैंने जब इस पर क्लिक किया भाई ये पोकेमॉन भी बदल गया एंड सच बताऊँ एक स्पेशल पोकेबॉल था, मुझे पता नहीं इसका यूज़ किया है एंड मुझे इसके बाद एक पावर एनर्जी रूल भी मिला। एंड जो भी भाई ये स्पेशल पोकेबॉल थे बाकी सारे पोकेबॉल के साथ नहीं आ रहे थे, अलग से पोकेबॉल था ठीक है, तो इसका भाई यूज़ अलग होगा एंड शायद से कोई लेजेंडरी पोकेबॉल कैच करने में काम में आएगा
बट मैं उसको आगे में डिस्कवर करूंगा, फिलहाल तो नहीं पता वो कौन से काम में यूज होता है। एंड फिर भाई मैं कुछ वाटर टाइप वोकन से बाकी सारे वोकन को ढूंढने लग गया। एंड या मैंने अपने क्वेक्सली को भाई साहब हील कराने के लिए मैं पोशन ऐसे निकाल ही रहा था कि भाई क्वेक्सली दौड़ दौड़ के दूसरे वोकन के साथ जाके बैटल कर लिया। भाई साहब हेल्थ नहीं किया, बैटल करना है तो मैं वापस से मर भी गया लौंडा। बट जो भी उसके बाद में दूसरे फ्लोटिंग आइलैंड जो भी आप से तैर वैर रहे थे सब पे आ गए। एंड मुझे एक मैजिक ऑफ चाहिए था बिकॉज मुझे गिराडोस काफ़ी पसंद है, तो मैं मैजिक ऑफ से बैटल शुरू की। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, मैं भाई रात हो गई इसको मारते मारते, बट लौंडा मर ही नहीं रहा था भाई, इस केस में जा ही नहीं देते। फिर मैं सोचा बाहर में जा भाई तू, ये बिकॉज ये स्लैश का अलावा कोई अटैक ही नहीं कर सकता, मैं इसे लेवल अप कैसे कराऊंगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो मैंने इसको कैच ही नहीं किया यहाँ से। एंड फिर मैं रात हो गया तो मैं सोचा भाई सो जाते वापस से, एंड मैं सो गया। एंड फिर भाई नेक्स्ट बार जब भी मैं उठाना भाई मेरे लिए एक सरप्राइज था, बिकॉज आसमान से भाई साहब एक खतरनाक पोकन जा रहा था। खतरनाक तो नहीं बोलेंगे बट यार ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन था, मुझे ये पोकन चाहिए था एज ए कैच करने के लिए। मुझे बिल्कुल इस टाइम ये फील आ रहा था कि ऐश के ऊपर से हो उठ के गया था ना फर्स्ट एपिसोड में, वैसे मेरे ऊपर से ही पोकन उठ के गया, मेरे को ब्लेसिंग दिया है अमल होने का, मजाक कर रहा हूँ। बट फिर क्या था भाई साहब, मैं उधर से उधर फिर से घूमना शुरू कर दिया वाटर टाइप पोकेमॉन कैच करने के लिए। बट भाई मैं फिशरमैन तो था नहीं जो इजीली कैच कर लूँगा, मैंने काफ़ी सारे पोकेबॉल थ्रो करके देखे, कोई पोकन हिट नहीं हो रहा था उससे ताकि मुझसे उससे बैटल शुरू हो जाए। एंड मुझे चाहिए था एक पॉलीबैग। एंड फाइनली भाई साहब मैंने यहाँ से लास्ट ऑफ डे पोकेबॉल थ्रो किया, मिल गया भाई मिल गया। एंड फिर भाई मैंने इसे बैटल करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर डेट मेरे को याद आया मेरा क्वेक्सी भी तो वाटर टाइप है, मतलब दिमाग मेरा देखो क्वेक्सी है मेरे पास, फिर मैं दूसरे पोकेमॉन को कैच कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं सोच लिया भाई चलो बेकार का काम नहीं करते हैं, मार ही देते लौंडो का एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत। एंड फिर मैं इसको मारा नहीं, उसे पत्ता ड्रॉप किया, भाई पत्ता तो मुझे इधर से मिल सकता था, पता नहीं भाई बकवास पोकेमॉन था, बट कोई बात नहीं। आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया चलो भाई जब चाहेंगे थोड़ा आगे आगे एंड इस टापू को भाई पूरा घूमेंगे। एंड उसे घूमते घूमते भाई मेरे को यहाँ से एक स्नाइवी दिखा। ओ भाई अगेन स्टार्टर पोकेबॉल, सो भाई इसको कैच करना तो बनता ही था ना, तो मैंने ऐसे पोकेबॉल थ्रो किया एंड इससे बैटल शुरू किया। एंड डायरेक्टली मैंने सोचा भाई अल्ट्रा बॉल से कैच करेंगे, बिकॉज स्टार्टर पोकेमॉन के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, इसके लेवल भी काफ़ी लो थी, पास लेवल का था जब जैसे स्टार्टर पोकेमॉन होते हैं। तो भाई मैंने इसे कैच कर लिया स्नाइवी को, एंड फिर मेरे पास चार पोकेमॉन हो चुके थे। एंड जो भी हो आफ्टर दैट हम लोग यहाँ से कुछ और पोकेमॉन मिले जिनको मैंने काउंटर के पीट डाला। एंड या फिर वाटर का टेक्सचर तुम देखो भाई कितना ऑसम है, एंड पोकेमॉन को फ्लोट भी कर रहे वाटर के ऊपर। एंड फिर मेरे को कुछ अजीब गरीब बायोम दिखे जिनमें कुछ खास पोकेमॉन मिल नहीं रहे थे, मुझे लगा था भाई मिल जाएंगे कुछ रूखे सूखे पोकेमॉन, बट मुझे यहाँ पर कुछ हिरन विरन दिखे। एंड फिर भाई साहब ये जगह ना मेरा फेवरेट जगह में से एक है, मतलब तुम देखो इस जगह को भाई, मतलब कितना भाई स्वर्ग लग रहा है। मैंने सोचा भाई यहाँ पर ही घर बनाने का अपन को, यहाँ पर भाई अपना साम्राज्य अपन स्थापित करेंगे। बट यहाँ पर जाने से पहले मैंने सोचा आसपास घूम लेते हैं। एंड उसी बीच भाई साहब जब भी भाई साहब मैं साइड बाइड में घूमा ना, मेरे को एक भाई मिस्टिकल टेक्चर दिखे यहाँ पर, मतलब मैं सोचा भाई ये कौन सी टेक्चर है, मैंने आज तक नहीं देखी ये चीज़ क्या है। एंड जब भी भाई साहब मैं इसके आसपास गया ना, मुझे भाई अलग एनर्जी फील हुई, इधर में अलग ही साउंड आ रहा था यहाँ से। मुझे पता नहीं यहाँ पर क्रिस्टल दिखा जो कि भाई बहुत ही अजीब गरीब था। एंड फिर मैं सोचा भाई क्रिस्टल का क्रिस्टल होगा कोई, ये ककुना वकुना कुछ है ना, ये बड़ा ककुना लेजेंडरी पोकेमॉन का ककुना। एंड अब एक छोटा मोटा केव भी था, पता नहीं इसके अंदर आयरन दिख रहे हैं मेरे को। एंड फिर मैं सोचा था चलो इसके ऊपर जाकर देखते क्या है भाई साहब। एंड ऊपर जब मैं उठा भाई सेकंड फ्लोर में तो कुछ खास नहीं था, बट मैं उसके बाद मैं इसके भाई थर्ड फ्लोर में आ गया। एंड यहाँ पर तुम देखो यार भाई साहब एक डायनेमिक्स एनर्जी भाई साहब इधर में जो होता है ना वैसे कुछ था यहाँ पर। मैं सोचा भाई इससे शायद से डायनेमिक्स टोकन निकलेगा, आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा, देख लेंगे भाई साहब नेक्स्ट एपिसोड में निकलता है कि नहीं निकलता। बट जो भी हो भाई नेक्स्ट एपिसोड में हम इस चीज़ के अंदर जाएंगे। एंड अभी तक अगर तुमने देखा तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम नेक्स्ट एपिसोड देख सको। भाई नेक्स्ट एपिसोड में सच बता रहा बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो चुका है भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो तुम्हें बहुत ही ऑसम चीज़ देखने को मिलेगा। मैं ये दावा करता हूँ भाई नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हें बहुत ही ऑसम चीज़ देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, Let's buy me to again, guys.